नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, हम इस समय मौजूद हैं रीवा के बाईपास में। यहाँ पर कुछ लोगों ने एक आश्रम बनाया था, यहाँ पूजा पाठ होती थी, यज्ञ हुआ करता था, सरकारी खाली जमीन थी। यहाँ पर कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस आश्रम को बनाने में अपनी उम्र खपा दी। काफी देखभाल करने के बाद यहाँ पर परशुराम आश्रम बनाया गया था और आज प्रशासन यहाँ पर इस बिल्डिंग को गिराने आया है। इस पूरे मसले पर हम उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए श्रीधर जी, क्या है पूरा मामला? ये गिराने आए हैं तो मेरा कहना ये है कि आप गिराइए नहीं, जो निर्माण हो चुका है उसको रहने दीजिए लोगों के लिए, और आप इसका पजेशन स्वयं ले लीजिए, इसको आप सुचारू रूप से अपने ढंग से चला दीजिए। हमने अतिक्रमण किया जरूर, लेकिन अब हम ये चाहते हैं, बिल्डिंग बन गई है, मंदिर बन गए हैं, तो प्रशासन इसको अपने पास ले ले और उसको जो भी करना हो, जिस तरीके से इस जगह का इस्तेमाल करना उसको करे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ साधु संत भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। बताइए, चार महीने से हम लोग लगातार राम नाम संकीर्तन के साथ में 5 महीने उसके बाद में देवी हवन हो रहा है और लोगों के लिए, लोगों के कल्याण के लिए हम लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर परशुराम जी का एक रोहता मंदिर है और उसके बाद में आपके हनुमान जी का मंदिर है, फिर शनिदेव का मंदिर है, यज्ञशाला बना हुआ है, उस यज्ञशाला में यहाँ के पब्लिक आकर के हवन और पूजन डेली कर रहे हैं। और एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि एक तरफ तो शासन ये कह रहा है कि हम साधु संतों की हिमायत कर रहे हैं, हम साधु साधु संतों की हम व्यवस्था कर रहे हैं, और एक तरफ साधु संतों को इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है कि अगर हम लोग कोई गलत काम कर रहे हैं तो हम लोगों को शिकंजे के अंदर डालना चाहिए, तो प्रताड़ित किया जा रहा है यहाँ पर। जी बताइए, क्या ये परशुराम आश्रम है? यहाँ यज्ञ होता है, 3-4 महीने से खाली जगह पड़ी थी, साधु संत लोग आए, सब लोग इसको साफ सफाई करके बनवाए, सब ये अंतिम मंदिर। अब हम लोग चाहते ये कि ये धार्मिक स्थल है, सरकारी जमीन थी, धर्म स्थल होना होता रहे, और ये सरकारी जमीन है, हम ये चाहते हैं इसका इस्तेमाल प्रशासन जिस तरीके से करना चाहे करे। हमने अतिक्रमण किया जरूर था, लेकिन हम यह पूरी जमीन प्रशासन को सौंप रहे हैं, अब प्रशासन अपने हिसाब से इसकी देखभाल करे। ये नेशनल हाईवे की जमीन पर परशुराम आश्रम बना हुआ है, ये जमीन वास्तविक रूप से नेशनल हाईवे की ही है और आज यहाँ पे अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है, आपस में बात की जा रही है, अभी इसका कुछ समाधान। ये प्रशासन, ये यहाँ पर ये लोग ये कह रहे हैं कि हम ये जगह छोड़ने के लिए तैयार हैं, प्रशासन इसका इस्तेमाल जिस तरीके से करना चाहे वो लिख के भी देने के लिए तैयार है, तो क्या ये मामले का पटाक्षेप माना जाए या भी कुछ और हो सकता है? पूरे जगह का मुआयना करके और हर स्थिति का आकलन करके उसके बाद कार्यवाही की जाए। यहाँ पर अतिक्रमण के नाम पर मंदिर को गिराना चाहती है, भगवान परशुराम के, हनुमान जी के, भगवान शनि के मंदिर को गिराना चाहती है अतिक्रमण के नाम पर, और उनकी एक यज्ञशाला बनी हुई है, संतों को मार के यहाँ से भगाना चाहती है। मुझे ऐसा बताया गया कि सरकारी जमीन है। मजे की बात यह है कि रीवा प्रशासन को और शिवराज सिंह चौहान जी को समदड़िया का भवन मंदिर लगता है, बंसल के भवन मंदिर लगते हैं, ठेकेदारों की रोड मंदिर लगती हैं, पूरे शहर को खुदवा दिया गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लोगों से जुड़ी हुई आस्था का एक मंदिर है कहीं, तो उसमें प्रशासन को और शिवराज सिंह चौहान जी को अतिक्रमण लगता है और वो उसको हटाना चाहते हैं। Thank you.
पर हम लोग जाते हैं, इतने पर्याप्त सुनवाई हो जाए, पब्लिक सुनवाई हो जाए। प्रशासन ने पहले तो आश्रम वालों की बात मानने का निश्चय किया, यह तय हुआ कि इसके बारे में बाद में विचार किया जाएगा। आश्रम के लोगों का कहना था बिल्डिंग को तोड़ा ना जाए, बिल्डिंग को ले लिया जाए, प्रशासन अपनी इच्छा से यहां पर जो भी चाहे वह कर सकता है। प्रशासनिक अमले का यह कहना था कि प्रशासन का यह साफ तौर से कहना था कि हमारे पास आश्रम का यह प्रपोजल है, अब हम इस पर सोचेंगे, विचारेंगे क्या करना है। लेकिन यह बात थी सुबह की, दोपहर के बाद शाम होते होते प्रशासन ने आश्रम को पूरी तरीके से ढहाने का निश्चय किया और पूरी तरीके से आश्रम को जमींदोज कर दिया गया। ये नेशनल हाईवे यूनिवर्सिटी के पास का मामला था, अब वो अब जगह पर मलबे के अलावा कुछ नहीं है। जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, सुबह का दृश्य हमने आपको एक तरफ दिखाया था, सुबह का दृश्य और एक तरफ दिखाया था शाम का दृश्य। अब आप ही तय करिए क्या सच क्या झूठ। निश्चित रूप से अतिक्रमण था, उसको तोड़ा गया था। अतिक्रमण वाली जगह पर लाखों की एक बिल्डिंग भी बनी थी, आश्रम वाले उस बिल्डिंग को देने के लिए तैयार थे। प्रशासन को वहां पर कुछ भी खोला जा सकता था, लेकिन प्रशासन ने यह तय किया हम इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहते, हम इस जगह को साफ सुथरी खाली करना चाहते हैं। और अंततः वही कुछ हुआ।